ये अलग बात है कि इस देश में कुछ लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ जो दल है उस दल के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म मतलब अपनी सनातन परंपरा, अपना हिंदू धर्म, वो कह रहे हैं वो तो वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान कोई सहन करेगा क्या? एक बार मेरे साथ बोलो हर हर महादेव। मैं चेताना चाहता हूं ऐसी ताकतों को, सनातन धर्म का मतलब तुम जानते हो? अरे सनातन धर्म का मतलब है सिया राम में सब गाड़ी। सनातन धर्म का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। सनातन धर्म कहता है जियो और जीने दो। सनातन धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। तो सनातन धर्म है जो सबको सुखी निरोग और सबके मंगल और सबके कल्याण की कामना करता है। आज इस सभा में हम सब एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि सनातन धर्म की निंदा और अपमान हम सहन नहीं करेंगे। बोले सब तैयार है? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस आग से खेलने का काम ना करें। राजनीति में धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र कांग्रेस का किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया सनातन परंपरा को अपना रही है। वसुदैव कुटुंबकम योग पूरी दुनिया में पहुंच गया, गीता जी पूरी दुनिया में पहुंच गई। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव, लेकिन सनातन के अपमान को सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना। मेरी बहनों, मेरे भाई, मैं भी सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार चला। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? मुख्यमंत्री हूं कि मामा? ये भाव कभी कांग्रेस ने पैदा किया क्या? भाई बहन, भांजे भांजी, ये पवित्र रिश्ते हैं हमारे, और जनता की तकलीफ और दुख देख के एक के बाद एक योजना बनाई। देखो ऐसी सरकार नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निशुल्क राशन की सौगात दी गरीबों को। अभी पट्टे की बात कर रहे थे सचिन जी, मैं कहना चाहता हूं गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, ये मामा का संकल्प है। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन सबको चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने की जमीन का टुकड़ा भगवान ने